हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सकें। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह कुछ सितारों की शादियां भी यादगार हैं, जिनमें पहले पर्दे की जोड़ियां असल जिंदगी में एक हो गई। तो चलिए जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री की इन 8 बेस्ट जोड़ियों की कहानी। नंबर 1, दीपिका रणवीर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। हाल ही में दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म के सेट पर ही दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार और आखिर में शादी। तकरीबन 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी की। पद्मावत, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी फिल्म में दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। नंबर 2, अक्षय और ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार ने एक बार इंटरव्यू में ट्विंकल के साथ अपनी प्रेम कहानी का खुलासा किया था। अक्षय ने बताया था कि उनकी और ट्विंकल की पहली मुलाकात फिल्म फेयर के एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। अक्षय को क्यूट ट्विंकल देखते ही पसंद आ गई थी। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा। नंबर 3, करीना और सैफ अली खान। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी को करीब 8 साल हो चुके हैं। साल 2012 में करीना ने अपने से 10 साल बड़े और 2 बच्चों के पिता सैफ से पहले कोर्ट मैरिज की, फिर रिसेप्शन पार्टी दी थी। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। दोनों इंडस्ट्री के सबसे हॉट एंड हैपनिंग कपल हैं। पब्लिक अपीयरेंस और अवार्ड फंक्शंस में भी कई बार दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नंबर 4, अजय देवगन और काजोल। अजय देवगन और काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खास जोड़ियों में से एक है। इस कपल की लव स्टोरी बहुत ही मजेदार है। पहले काजोल को अजय पसंद नहीं करते थे। एक वक्त के बाद दोनों इस तरह से करीब आए कि आज तक एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। काजोल हर समय अपने पति के साथ खड़ी रहती है, वहीं अजय भी अपनी पत्नी को प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नंबर 5, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। अभिषेक और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभिषेक ऐश्वर्या से 3 साल छोटे हैं। दोनों की शादी 20 अप्रैल 2007 को हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है, आराध्या, जिसका जन्म 2011 में हुआ था। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन पिछली बार साल 2010 में पर्दे पर साथ नजर आए थे। मणि रत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म रावण में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। नंबर 6, करण और बिपाशा। एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने 2 साल पहले ही एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ तीसरी शादी की है। करण इससे पहले श्रद्धा निगम के साथ 2008 में और टीवी अभिनेत्री जेनिफर विंगेट के साथ 2012 में शादी के बंधन में बंध चुके हैं। करण और बिपाशा की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दोनों कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। नंबर 7, दिलीप कुमार और सायरा बानो। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानो के प्यार की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों की उम्र में लगभग 22 साल का अंतर था, फिर भी दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दिलीप कुमार जब 44 साल के थे तब उन्होंने अपनी आधी उम्र की सायरा बानो से शादी की। नंबर 8, राजेश और डिम्पल। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने खुद से 15 साल छोटी डिम्पल से शादी की थी। उनकी शादी की खबरें उस जमाने में खूब सुर्खियों में आई थी। राजेश और डिम्पल के बीच 3 साल तक अफेयर चला। हालांकि राजेश डिम्पल का वैवाहिक जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका।